नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड विद विनोद में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बगैर आटे और बगैर मैदा के एकदम हेल्दी और आप एकदम जल्दी इन्हें बना सकते हैं। मैं चिकन मोमो लाया हूँ जो कि आप इजीली और फटाफट बना सकते हैं दोस्तों, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, करते हैं स्टार्ट। तो हम लेंगे एक पत्ता गोभी और उसके हम ये जो पत्ते हैं गोभी के, जो एक एक पार्ट होता है पत्तों का, इसमें हम पत्ते ले लेंगे और इनको हमें ब्लांच करना है पानी में, ये देखिए। और इनके हमने जो पीछे के साइड के जो स्टेम होते हैं मोटे मोटे, इनको नाइफ यानी कि चाकू की सहायता से इसको हम छील लेंगे, यानी कि इनको अच्छी तरह से जो हार्ड पार्ट होता है उसको पतला कर लेंगे। और पानी बॉईल करने रख दिया था हमने, इसको हम ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे और मोमो बनाने के लिए हमें आसानी रहेगी। और इस पानी में हम हल्का सा नमक डालेंगे जिससे कि पत्ते सॉफ्ट और एकदम साफ हो जाएं। और 2 से 3 मिनट बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएं, इनको हमें निकाल लेना है। ये देखिए निकाल लिए हैं, अब इनको हम ठंडा करने रख देते हैं। जब तक पत्ते ठंडे हो रहे हैं, हम इसके स्टफिंग का मसाला बना लेते हैं। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज़ मोमो, वो भी विदाउट आटा और मैदा के। तो एक पैन लेंगे, उसमें गार्लिक को थोड़ा सा बटर में सौते कर लेंगे। उसके बाद हम चिकन, इसमें चिकन कीमा ऐड कर लेते हैं और इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। इसमें साल्ट, पेपर और हल्का सा शुगर और हल्का सा सोया सॉस और हल्का विनीगर ऐड करेंगे, ये देखिए। और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स यानी कि 2 पिंच चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करते हैं। और इसके बाद इसमें हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, ये देखिए मोज़रेला चीज़ हम इसमें लगभग 2 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। और चीज़ मिलाने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और जो हमने पत्ते ब्लांच किए थे ठंडे हो चुके हैं और इनको इस तरह से स्टफ करके हमने फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, देखिए। ये एकदम बढ़िया और परफेक्ट और हेल्दी चिकन चीज़ मोमो दोस्तों आज बनने वाले हैं, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। एक स्टीमर रख दिया है और इसको अब हम स्टीम करेंगे लगभग 8 से 10 मिनट, ये देखिए। और मोमो को 8 से 10 मिनट स्टीम करे हो गए हैं और इनको अब हम निकाल लेंगे। और एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा यानी कि 2 टीस्पून हम बटर डालेंगे और ये जो मोमो हमने स्टीम किए थे इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट स्टीम से ही या स्टीम वाले ही खा सकते हैं। और इसको हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर इसको
और इसमें ऑर्गेनो हल्का सा हम स्प्रिंकल कर लेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। और इसको एक मिनट बाद पलट लेंगे और इसको फिर एक मिनट के लिए कवर कर लेते हैं। दोस्तों ये मोमो बहुत ही टेस्टी और शानदार लगते हैं दोस्तों खाने में, आप इसे ट्राई करिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी और जल्दी से बनने वाला ये स्नैक्स आप को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।